नो नो करो। वक्रतुंड महाकाय गुरुकोटिम संप्रभा निर्विघ्न गुरु मेरे सर्वकारेषु सर्वदः। ओम गजानन भगवान की कृपा से हमारा कश्मीर जनता लोगों का ये सौभाग्य है, साक्षात हनुमान जी अपना जन्मभूमि पंपा क्षेत्र किष्किंधा से कश्मीर जनता लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहली बार जन्मभूमि से कश्मीर पहुंचा। श्रीनगर से 3 दिन के पहले ही टीटवाल बॉर्डर तक पहुंचा। भगवान की कृपा से शारदा सर्वज्ञ पीठ की जो वहां एक नया मंदिर बनाया, नवरात्रि आरंभ हुआ, स्वतंत्र हमको मिलने की बात पहला इतिहास में 75 इयर्स होने की बात पहली बार नवरात्रि हनुमान जी वहां शुरू करा दिया, पूजा पाठन हुआ। संपूर्ण नवरात्रि हमारा कश्मीर में टीटवाल शारदा पीठ से लेकर खीर भवानी से लेकर यहाँ श्रीनगर में जो दुर्गा नाग से लेकर श्री वैष्णो देवी से लेकर सारी संपूर्ण कश्मीर में हनुमान जी का भ्रमण होने वाले हैं। भक्ति प्रचार के लिए अखंड भारत का संपूर्ण जो अभी नया निर्माण हो रही है, मैंने ये सोचा कि हमारा कश्मीर की जनता लोगों को हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा स्वागत करे। इतना ही नहीं, बहुत वर्षों से कश्मीर धरती में जो शारदा मैया की यहाँ वैदिक नागरिकता का सांस्कृतिक वैभव का पुनः जागृत करने के लिए भक्ति धर्म हमारा संस्कृति हमारा अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का यहाँ जनता लोगों का आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी आज श्रीनगर पहुंचा। इतना सुंदर वातावरण है हमारा पूरा श्रीनगर में कश्मीर में। अभी तक लोगों की मन में डर था आना है तो घूमना है तो, अभी हम एक एक गांव गांव जाकर एक एक आर्मी लोगों को कैंप होने के बाद जाकर हनुमान जी का इतना भव्य रथ कर्नाटका से हमारा कश्मीर में टीटवाल तक सीमा तक पहुंच गया। वहां सब लोग स्वागत किया, नागरिक लोग स्वागत किया, पुजारी पंडित लोग स्वागत किया। इसकी भारत सरकार भी बहुत खुशी है, वहां अमित शाह भी ट्वीट किया। इतना अत्यंत वैभव कार्यक्रम हो रहे हैं, शारदा पीठ में नवरात्रि पूजा शुरू हो गया। हम भारतवासी लोगों को सारी पूरा दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा कश्मीर का द्वार खुल गया। अभी इतना विशाल द्वार खुल गया कि सब लोग आइए, सब लोग यहाँ का संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ पूर्वज लोगों को ऋण चुकाने के लिए यहाँ की मूल निवासी लोग फिर सब लोग वापस आइए, सुख संतोष से रह सकता है। इतना बढ़िया सड़क बना, इतना सारी लोग स्वागत कर रहे। अभी वर्तमान में कश्मीर में स्थिति अत्यंत सुंदर है, आह्लाद कर रहे। अभी